हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लेंडर में मटेरियल्स को। मटेरियल्स क्या होता है? जब भी हम लोग 3D मॉडल्स बनाते हैं ब्लेंडर में, तो हम लोग चाहते हैं कि उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर दें या फिर डिफरेंट लुक दें। जैसे आप कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, आप चाहते हो कि हमारे जो ट्रीज हैं वो ग्रीन कलर के हों, या फिर बेसिकली मटेरियल यूज करने का मतलब है आप अपने मॉडल्स में कलर अप्लाई करते हो या टेक्सचर अप्लाई करते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग मटेरियल को यूज करते हैं। एज ऑलवेज दोस्तों, आप जानते हो कि मैं जो ब्लेंडर का कंट्रोल है उसको ऐसा करके रखा हूँ ताकि वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूजर प्रेफरेंसेस में हूँ, इनपुट टैब में आप आओगे तो ब्लेंडर डिफॉल्ट की जगह माया सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट विथ लेफ्ट एंड इमुलेट नमपैड एंड देन सेव यूजर सेटिंग। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नए मॉडल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी एक क्यूब बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्ट डिस्प्ले को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझो कि कौन सा की मैं कब प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट ए दबाता हूँ ताकि कुछ और भी मॉडल्स मैं यहाँ पर बना सकूँ, जस्ट लाइक मैंने एक यूवी स्फीयर बनाया। एंड देन अगेन शिफ्ट ए, और एक हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सिलेंडर। और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन पे कुछ मटेरियल्स को अप्लाई करूँगा। अगर अभी मैं रेंडर करता हूँ यहाँ पे आने के बाद, तो आप देखोगे जो हमारा रेंडर है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे अभी रेंडर व्यू को करता हूँ, या फिर आप चाहो तो कैमरा से भी रेंडर कर सकते हो, तो हमारा रेंडर अभी इस टाइप से हो रहा है। अगर आप चाहो तो कैमरा को अपने ढंग से प्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये जो हमारा है आउटलाइनर, यहाँ से मैं कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ, और आप चाहो तो इसको अपने ढंग से रोटेट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, और जो है इसको रेंडर अप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, री रेंडर करोगे आप यहाँ से तो देख सकते हो। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं मटेरियल्स को। आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा टैब है प्रॉपर्टीज का, उसमें एक हमारे पास यहाँ पे टैब है जिस पे लिखा हुआ है मटेरियल्स। ठीक है, अगर आप किसी को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे, अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हाईलाइट करते हैं तो हमारा टूल टिप में आता है टाइप ऑफ एक्टिव डेटा टू डिस्प्ले एंड एडिट, और आप देख सकते हो यहाँ पे कलर में लिखा हुआ है डिफरेंट कलर में मटेरियल। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे अभी कोई मटेरियल यूज में नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट है जो यहाँ पे भी यूज है। हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले न्यू पे क्लिक करते हैं, और अब देखोगे हमारे पास एक नया मटेरियल क्रिएट हो गया विथ सम डिफ़ॉल्ट नंबर। मैं क्या करता हूँ, इसको एक कलर देता हूँ, और वो कलर क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक मैंने दिया रेड। ठीक है दोस्तों, क्लिक करता हूँ, और जब आप इसके कलर को चेंज करोगे, है ना, मटेरियल के कलर को चेंज करोगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो भी हमारा करंट डिफ्यूज जो यहाँ पे दिखा रहा है डिफ्यूज़ कलर, अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से रेड करूँगा, तो आप देखोगे कि इमिडिएटली उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे स्फीयर पे पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मटेरियल बहुत ही बड़ी टॉपिक है, और मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करवा सकूँ, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में अगर अप्लाई करोगे कलर अपने ढंग से तो आप उसको कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं अगर क्यूब को चाहूँ, और अगर मैं चाहूँ तो कोई मटेरियल एग्जिस्टिंग मटेरियल जो ऑलरेडी हमने बनाया, जस्ट लाइक मैंने रेड बनाया, तो मैं इसको असाइन कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो नया मटेरियल बना सकता हूँ और इसका एक कलर दे सकता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे दिया भी ग्रीन। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ ग्रीन, और इसके कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ ग्रीन में। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पे आप दो मटेरियल क्रिएट हो चुके हैं, एक ग्रीन एक रेड, और एक मटेरियल जो हमारा डिफॉल्ट है मैं इसके साथ अभी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर ये हमारा जो सिलेंडर जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके साथ अभी न्यू मटेरियल, इसके साथ अभी डिफॉल्ट है, पर आप चाहो तो एग्जिस्टिंग मटेरियल दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे न्यू मटेरियल आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्लू मटेरियल क्रिएट करता हूँ, इसका डिफ्यूज़ कलर जो है मैं अप्रोक्सीमेटली ब्लू करता हूँ, और आप देख सकते हो ये इसमें असाइन हो जाता है। दोस्तों ये तो एक तरीका है मटेरियल को असाइन करने का, मगर मटेरियल जैसा कि मैंने कहा वो छोटी टॉपिक नहीं है, हम उसके बारे में बहुत बातें करेंगे। लेकिन सपोज करिए
कि जैसा आजकल मैक जो कॉफ का बहुत सारा चल रहा है, मैंने इसको फोकस किया ऐप बटन दबाने के बाद। अगर टैब आप प्रेस करोगे तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। हम क्या करते हैं, एक्सरे व्यू को ऑन करते हैं। दोस्तों अगर मैंने पहले कभी नहीं बताया तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा बटन है यहाँ पे दिख रहा है वो एक्सरे व्यू को ऑन करता है। दैट मीन्स आप उसके ऑपोजिट वाले जो हमारा ये फेस है उसके ऑपोजिट फेस या ऑपोजिट वर्टेक्स एज को देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सरे ऑन करता हूँ और माउस का मिडिल बटन प्रेस करके यहाँ से इसको मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले राइट क्लिक करके फेस मोड में जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम चाहेंगे कि एक और बात दोस्तों, जस्ट लाइक मैं अगर भी स्पेस बटन प्रेस करूँ तो ये चार भाग में आप देख सकते हो डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो हमारा फ्रंट ऑर्थो व्यू है, अगर हम इसको सेलेक्ट करें या फिर मैं बॉक्स सेलेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये अप्रोप्रिएट सेलेक्शन देता है। फिर मैं स्पेस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये हो जाता है। ठीक है, क्यों ना हम इसको ब्लैक करें। ब्लैक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल है, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से भी न्यू मटेरियल ऐड कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है यहाँ से भी ऐड ए न्यू मटेरियल कर सकते हैं। मैं इस बार यहाँ से करता हूँ और न्यू यहाँ पे, और इसका मैं नाम देता हूँ ब्लैक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मटेरियल जो हो वो ब्लैक कलर का हो और इसका कलर मैं ब्लैक चूज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस बार ये जो है नहीं हुआ ब्लैक। क्यों नहीं हुआ, एक बार फिर से आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, असाइन, सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट। जस्ट लाइक मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्शन जो थे यहाँ पे वो गायब हो गए। फिर से टैब बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब आप ऑब्जेक्ट मोड में थे, दैट मीन्स एडिट मोड में नहीं थे, तो जो भी मटेरियल हमने डिफॉल्ट दिया वो पूरे मॉडल पे, पूरे ऑब्जेक्ट पे असाइन हो गया, ऐड हो गया। लेकिन जो भी हमारा यहाँ सेलेक्टेड पार्ट है उसमें आप देख सकते हो कि ब्लैक मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और अगर मैं असाइन बटन पे क्लिक करता हूँ तो ब्लैक मटेरियल हमारे सेलेक्टेड फेसेस पे असाइन हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। अब अगर आप टैप करोगे तो आप देखोगे ये जो है हमारा ब्लैक हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा अभी कैसे कैरेक्टर बनाते हैं मैक जोकोफ की तरह। आप चाहो तो इसको कर सकते हो अपने अनुसार से, मैं बाद में बताऊँगा, फिलहाल के लिए कंट्रोल जेड। एंड नेक्स्ट हमने देखा कि एक हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शन आता है। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, फिर से टैब बटन प्रेस करता हूँ और फिर से आप चाहो तो स्पेस बटन प्रेस कर सकते हो, या फिर जो हमारा व्यू है आप चाहो तो यहाँ से फ्रंट व्यू डायरेक्ट जा सकते हो, या आप चाहो तो बैक व्यू डायरेक्ट जा सकते हो। जो हमारा ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, अभी कुछ नीचे के जो फेसेस हैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। स्पेस बटन दबाता हूँ सॉरी, और आप चाहो तो ऑर्थोग्राफिक को फिर से पर्सपेक्टिव व्यू कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ रहे हो कि ये सब चीज़ें क्या है, ऑर्थोग्राफिक, पर्सपेक्टिव, तो उम्मीद है आपने हमारे पहले ट्यूटोरियल्स को देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप बाद में जाकर देख सकते हो। देन अगेन फिर से मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे सेलेक्टेड फेस है उसको मैं एग्जिस्टिंग मटेरियल देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे ग्रीन दिया मैंने, और सॉरी फॉर दैट, कंट्रोल जेड इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको असाइन करता हूँ ब्लैक। एंड देन अगेन आप देख सकते हो ये जो हमारा सिलेक्शन है जो कि रेंडम हो रहा है, मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ सेलेक्ट किया और इसमें मैं प्लस करता हूँ मटेरियल, और जो हमारा एग्जिस्टिंग है जस्ट लाइक ग्रीन वो मैंने यूज किया और इसको असाइन कर दिया। दोस्तों फिर से एक बार, यहाँ जो प्लस बटन है वो ये बताता है कि इस गेम ऑब्जेक्ट में करेंटली कितने टाइप के मटेरियल यूज्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे देखोगे अभी क्यूब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक मटेरियल होगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक मटेरियल होगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो ये तीन मटेरियल्स को यूज कर रहा है, आइदर एग्जिस्टिंग या फिर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, मैं एक बार क्यूब पे आता हूँ, टैब बटन प्रेस करता हूँ ताकि वो एडिट मोड में आ जाए। आप देख सकते हो अभी भी हमारा एक्सरे मोड ऑन है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हो। हम क्या करते हैं, कंट्रोल आर बटन दबाते हैं ताकि यहाँ पे कट मैं दे सकूँ, फिर मैं एक माउस बटन क्लिक करता हूँ, कंट्रोल आर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी हो गया, और एक इधर भी मैं कंट्रोल आर से लूप क्रिएट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो इसके अलग अलग फेसेस को अलग अलग कलर दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे चार फेस है हमारे पास, एक दो ये तीन चार, ये फेसेस को मैं ऐसे घुमा के सेलेक्ट कर रहा हूँ अल्ट बटन प्रेस करते हुए। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल यूज करना तो मैं प्लस करूँगा,
मैं एग्जिस्टिंग मटेरियल्स में से पिक करूँगा जस्ट लाइक रेड और यहाँ पे असाइन करूँगा, तो आप देख सकते हो कि कुछ जो है रेड यहाँ पे चेकरबोर्ड की तरह बन चुके हैं, है ना दोस्तों। जब आप टैब मोड में आते हो और आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया, तो आप चाहो तो सेलेक्ट भी कर सकते हो, हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाय यूजिंग इट्स मटेरियल। जस्ट लाइक मैं अगर ग्रीन को क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे ग्रीन के सारे फेसेस जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना। या फिर रेड को क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, तो रेड वाले सेलेक्ट हो चुके हैं। या फिर कंट्रोल ये प्रेस करता हूँ तो ये सारे सेलेक्ट हो गए, और मैं रेड वाले को बोलूँगा भाई उसको डीसेलेक्ट करो, तो ये रेड वाले को डीसेलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे जो है रेड को ये डीसेलेक्ट कर चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, उम्मीद है आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि एक मॉडल पे हम मल्टीपल मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे पार्टिकुलर अलग अलग फेसेस को यूज करके हम अलग अलग मटेरियल उस पर डाल सकते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में, कि व्हाट इज़ मटेरियल एक्चुअली एंड व्हाट आर देयर ऑप्शंस। लाइक अभी मैंने क्या देखा कि जो हमारा ये बॉल है जिसे हमने इस तरह से अभी कलर दिया हुआ है, अगर मैं चाहूँ कि ये जो रेड पार्ट है अगर वो ट्रांसपेरेंट हो, या मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एरिया है वो थोड़ा ब्लर हो या कुछ और, तो मैं उसको कैसे करूँगा। अगर आप इस शेप को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्मूथ क्लिक कर सकते हो और आप देखोगे कि शेप हमारा जो है यहाँ से स्मूथ हो चुका है। आप चाहो तो फ्लैट और स्मूथ को टॉगल करके आप अपने अनुसार से कर सकते हो। मैं एक बार रेंडर करना चाहूँगा, तो यहाँ पे रेंडर टैब में आने के बाद अगर मैं रेंडर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है रेंडर कैसा हो रहा है। दोस्तों आप कुछ और ना सोचें, क्योंकि जो हमारा लाइट है वो किस एरिया में है इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा रेंडरिंग कैसा है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर अभी आप आओगे आउटलाइनर में और अगर आप अभी देखोगे कि मैं यहाँ पे लैंप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, F बटन दबाता हूँ फोकस करने के लिए, तो जो हमारा लैंप है वो किस जगह पे है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इसके नज़दीक ले आता हूँ, स्पेस ये स्फेयर के नज़दीक, और मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा नीचे करता हूँ लाइट को, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ रेंडरिंग कैसे बदल रहा है। और अगर अब मैं रेंडर करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो स्फेयर है वो हमारा हाईलाइटेड हो चुका है, जस्ट लाइक वो जो प्रीवियस वाला रेंडरिंग था उस टाइप का अभी नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, मटेरियल टैब पे आते हैं और आप देखोगे जो ये हमारा रेड है ना, मैं रेड मटेरियल को अगर एडिट करूँगा तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, है ना, जो हमारा यहाँ पे स्फेयर का ये जो रेड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको स्मूथ किया हुआ हूँ, फ्लैट भी कर सकता हूँ एज यू विश। दोस्तों ये जो हमारा व्यू है किसी भी मटेरियल का, है ना, अगर आप चाहो तो इसका जो व्यू है वायर मोड में देख सकते हो, वॉल्यूम मोड में देख सकते हो, या हेलो मोड में देख सकते हो। हेलो का इफेक्ट आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अगर अभी आप रेंडर करोगे तो आप इस हेलो मीन्स थोड़ा ग्लोइंग टाइप का, है ना, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, वो कैसा उसका इफेक्ट दिखा रहा है। अगेन अगर आप यहाँ पे जो लाइव मटेरियल का अपडेट दिख रहा है, मतलब जो भी मटेरियल जिस फॉर्म में हम देखते हैं उस फॉर्म का अगर आपको देखना है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे वायर किया और अगर अभी मैं इसको रेंडर करता हूँ यहाँ से रेंडर टैब से आने के बाद, तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारा वायर फ्रेम था, एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि जो हमारा रेड मटेरियल है वो बीच वाले पोर्सन में हाईलाइटेड है, अप्लाइड है, और ये क्यूब के इस पोर्सन में भी अप्लाइड है, इसलिए हमारा जो टेक्स्चर है वो इस ढंग से रेंडर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मटेरियल टैब में आता हूँ मैं, सरफेस में आता हूँ, और अगर आप इसका जो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है प्रीव्यू, आप चाहो तो इसको बदल कर देख सकते हो, जस्ट लाइक मैं मंकी कुछ भी जो भी आपका मूड करे आप उसको इस ढंग से यहाँ से प्रीव्यू को देख सकते हो। ठीक है, डिफ्यूज जो हमारा कलर है, और आप यहाँ पे देखोगे स्पेकुलर ये जो चीज़ है, एक डिफ्यूज क्या करता है, कलर अप्लाई करता है पूरे ऑब्जेक्ट में। स्पेकुलर जो होता है वो उसमें चमक, लाइटिंग, या आप कह सकते हो थोड़ा साइनीनेस, है ना, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ अभी आपके सामने एक और स्फेयर क्रिएट कर सकता हूँ, करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इस पर मैं रेड मटेरियल अप्लाई करता हूँ। फिर से मटेरियल टैब में आने के बाद आप देख सकते हो रेड करोगे तो पूरे गेम ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट आ जाएगा, और मैं क्या करता हूँ इसको स्मूथ करता हूँ। दोस्तों अभी अगर मैं इसके स्पेकुलैरिटी को, जस्ट लाइक अगर मैं अभी इसके स्पेकुलैरिटी को अगर येलो करता हूँ या कोई और कलर करता हूँ, तो आपको अगर ध्यान जा रहा होगा तो आप देख सकते हो
कि कैसे ये लाइव हमें दिख रहा है। जैसे कि अगर आप कलर पे करोगे क्लिक तो वो एक कलर पिकर को ऑन करता है, और जस्ट लाइक मैंने रेड किया या कोई भी कलर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो। स्पेकुलरिटी को हम लोग घटा बढ़ा भी सकते हैं, जस्ट लाइक मैं अभी ये ग्रीनिश वाले को रखता हूँ या येल्लो को रखता हूँ, और ये जो हमारा हार्डनेस है आप देख सकते हो, अगर मैं हार्डनेस को कम या ज़्यादा करता हूँ तो उसका कैसा इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लाइक दैट है ना, मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को सेलेक्ट करके, और ये स्पेकुलरिटी का हमें यहाँ पे ये जो लुक है वो देखने को मिल रहा है, और इसका रिवील हो रहा है, इसका जो इफेक्ट है वो इस यहाँ पे भी रेड वाले में भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं अभी रेंडर करूँगा तो आप देखोगे ये किस ढंग से रेंडर हो रहा है ना, जो हमारा येल्लो कलर था, जो हमारा येल्लो कलर का साइनीनेस, जो हमारा चमक था वो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। मैं F11 दबाता हूँ ताकि रेंडर व्यू को ऑफ कर सकूँ। फिर से मटेरियल पे आता हूँ। तो दोस्तों ये दो बात हम लोगों ने कर लिया, अब मैं फिर से आता हूँ डिफ्यूज़ में। आप देख सकते हो कि हमारे पास सेडर्स के ऑप्शन हैं, फर्नेल, मैनार्ट, टून और ओरियन नायर और लैम्बर्ट है ना। अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो लैम्बर्ट में। दोस्तों अलग अलग सेडर का यूज हम अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं। जस्ट लाइक आप देखोगे कोई कोई सरफेस बहुत र्यूड रहता है ना, खुरदरा जैसा, कुछ चमक ज़्यादा रहती है। तो अगर अभी आप इसको चेंज करते हो, जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, टून सेडर को ऑन करता हूँ, तो आप देखो कि कैसे एक जो हमारा टून सेडर का जो कलरिंग है वो बदल जाता है। अगर अभी आप इसको रेंडर करोगे जस्ट लाइक मैंने किया, तो आप देखो ये कैसे टून सेडर अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है ना। फिर से उसी तरह से आप अगर चाहो तो टून सेडर में हमारे पास इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी तो सब में रहती है। साइज, ये जो हमारा ये सर्कल टाइप का बन रहा है, आप उसके साइज को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, या जो जिस तरह आप चाहो उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और स्मूथनेस, स्मूथनेस का क्या मतलब है, जैसे ये जो हमारा ट्रांजिशन है देख सकते हो, ये कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है ना। मैं दिखाता हूँ आपको उसके स्मूथनेस को चेंज करके, जस्ट लाइक मैंने क्या किया, इसके स्मूथनेस को बढ़ाया। आप देख सकते हो जो प्रीव्यू में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि जो स्मूथ अगर हम करते हैं तो जो मतलब इंस्टेंटली जो शिफ्ट हो रहा है रेड टू ब्लैक, वो यहाँ पे आप देख सकते हो जो है स्मूथली वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन है ना दोस्तों। तो आप अभी देखो फिल करो चेंज को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रैंप है ना। ये रैंप क्या होता है मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, फॉर नाउ इग्नोर दैट वन। और आप अलग अलग सेडर के साथ देख सकते हो कि जैसे फर्नेल का अगर हम बात करें तो देखो आप थोड़ा ज़्यादा ग्लो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर अभी हम रेंडर करते हैं यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, F12 है हमारा शॉर्टकट की, हम चाहे तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, F12 एंड F11 है टॉगल करने के लिए है ना। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर। ठीक है, फैक्टर जाहिर सी बात है वो एक दूसरे में जस्ट लाइक कितना फैक्टर है उसका जो हम मिक्स कर रहे हैं कलर को, वो चीज़ को बताता है। स्पेकुलर, अभी मैंने बताया था उसके चमक को, स्पेकुलर में कुछ उसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के सेडर्स अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, और रैंप है यहाँ पे, मैं बताऊँगा इस ऑप्शन को। स्पेकुलर के इंटेंसिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिस कलर का आपको स्पेकुलरिटी देनी है आप दे सकते हो, दैट मीन्स चमक जो देना है दे सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे येलोइश चमक अच्छा सूट कर रहा है, आप चाहो तो ब्लूइश या फिर स्काई ब्लू जिस कलर का भी चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो, या पिंक, पिंक भी अच्छा सूट कर रहा है, आप देख सकते हो इसको। साइज आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, कि आप यहाँ इसको चाहो तो टॉगल कर सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए है ना। जस्ट लाइक आप देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो इसका स्मूथनेस है यहाँ पे घटाया हुआ है, और अगर अभी मैं इसको करूँगा रेंडर तो आप देखो ये जो ट्रांजिशन है फिर उसी तरह से जो हमारा स्पेकुलैरिटी है वो किस तरह से यहाँ पे हार्ड ट्रांजिशन दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे घटाया हुआ है। मैं फिर से इसको बढ़ा के कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मैं इसको घटाता हूँ और फिर से रेंडर करता हूँ लाइक दैट। साइज बढ़ाता हूँ, फिर से रेंडर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कैसे हमारा जो है वेरी कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार कलरिंग हमारा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक के लिए मुझे लगता है इतना सही है। मैं मिलता हूँ मटेरियल पार्ट टू में आपके साथ बहुत ही जल्द, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, थैंक्स।